देखिए, अभी तो ये पूरा प्रकरण न्यायालय में लंबित है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से विपक्ष की ओर से इस पूरे प्रकरण पर अनावश्यक विवाद पैदा किए जाने की लगातार कोशिशें हो रही थी और स्केलेटन को लेकर के बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वो वहाँ के इनमेट्स की है, वहाँ की बच्चियों की वो कंकाले हैं, और अब इससे पूरी तरह से साफ हो गया है कि शेल्टर होम में किसी भी बच्ची की मौत नहीं हुई है। तो ये प्रथम दृष्टया एक बड़ी जीत तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की है और विपक्ष के लिए ये एक करारा झटका भी है। कहीं ना कहीं जो पूरा जो प्रकरण हुआ शेल्टर होम, केवल बिहार का ही नहीं, नीतीश कुमार जी का भी इमेज पे कहीं ना कहीं दाग लगे कि भाई मुख्यमंत्री रहते हुए इनके राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनको उनको डैमेज करने का या उनके जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की गई थी? देखिए, इस घटना को लेकर के राज्य सरकार की ओर से पूरी मुस्तैदी बरती गई। जब केंद्रीय एजेंसी की ओर से इसकी जांच किए जाने का फैसला हुआ तो राज्य सरकार ने हर संभव जो भी जानकारी हमारे एजेंसी के पास उपलब्ध थी केंद्रीय एजेंसी को उपलब्ध कराया गया, और अब ये पूरा प्रकरण एक तार्किक परिणति की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से विपक्ष अनावश्यक एक तरफ ये मामला सब जुडिस है, इसके बावजूद विपक्ष की ओर से कोहरा मचाने की कोशिश की गई, लेकिन घटना को लेकर के हम सब भी आहत हुए और इससे बिहार के छवि, बिहार की प्रतिष्ठा का सवाल निश्चित तौर पर ये था, लेकिन राज्य सरकार की भूमिका और कई सवालों पर भी धीरे धीरे करके जवाब आ जाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इस पूरे प्रकरण के लिए जवाबदेह लोग तो नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन इससे एक संदेश बिल्कुल साफ है कि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं अपनी आदतों से बाज आना चाहिए, अनावश्यक झूठ बोल करके, भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।